स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टार्ट विथ होम मेकर में। मैं आज आपको मधुबनी पेंटिंग में पुराइन कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। मैं पहले पेंसिल से सर्कल बना लूँगी। आप देख पा रहे होंगे मैं पेज को घुमा घुमा कर सर्कल बना रही हूँ। इस तरह से हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब मैं स्केच से आउटलाइन कर लूँगी। आज मैं स्केच और पेन यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से हम आउटलाइन कर लेंगे। अब मैं डबल लाइनिंग करूँगी। इस तरह से मैं डबल लाइनिंग कर लूँगी पूरे में। इस तरह से हम डबल लाइनिंग पूरे में कर लेंगे। अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से हम दोनों तरफ से इसमें लाइन बना लेंगे। इस तरह से पूरे में मैं बना लूँगी। पूरे में इसी तरह से बना लेंगे। आप देख पा रहे हो अब मैं दूसरी तरफ से भी बना रही हूँ। इसी तरह से हम बना लेंगे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखें और इसे लाइक ज़रूर करें। अब ऊपर में हम पत्ती वाला डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से पूरे में हम पत्ती वाला डिज़ाइन बना लेंगे। अब ऊपर हम दूसरा डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से हम बना लेंगे। आप देख पा रहे होंगे इसी तरह से हम पूरे में बना लेंगे।
नीचे वाले डिज़ाइन में हम डबल लाइनिंग कर लेंगे। अब बाहर की तरफ से भी हम डिज़ाइन बनाएंगे। अब इसमें डबल लाइनिंग कर लेंगे। अब इसमें ऊपर एक और डिज़ाइन बनाएंगे, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे पूरे में, हम इसी तरह से बना लेंगे। अब हम ऊपर इस तरह से बना लेंगे चारों तरफ। अब मैं कचनी करूँगी। कचनी के लिए मैं ब्लैक पेन यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह से इसमें भी हम कचनी कर लेंगे, पूरे में कर लेंगे, इसमें भी कचनी। इस तरह से हम इसमें भी कचनी कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे
इसमें भी हम कच नहीं कर लेंगे, आप देख पा रहे होंगे सारे में हम इसी तरह कच नहीं कर लेंगे। इस तरह से हम बाहर वाले डिज़ाइन में भी कचनी बना लेंगे सारे में। मैंने सारे में करने के लिए सिंगल कचनी यूज़ किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।